1957 में पहली लोकसभा का चुनाव हुआ, दूसरी लोकसभा के लिए 57 में चुनाव हुआ, तीसरी लोकसभा के लिए 62 में, चौथी लोकसभा के लिए 67 में और फिर उसके बाद 71। ये जो चुनाव हुए इन चुनावों में भी गाजीपुर की जनता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, देश की जनता ने लोकतंत्र के पर्व को बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेकर सफल बनाया। उनके मतों से चुने हुए लोग दिल्ली और लखनऊ गए, सरकारों का गठन हुआ और देश का संचालन हुआ। साथियों, आज कुछ विचित्र स्थिति आ गई। वो विचित्र स्थिति ये है कि अभी तक आजादी के बाद इस बात पर कोई विवाद नहीं था, देश की आम जनता संविधान में विश्वास रखती है, अपना सबसे बड़ा ग्रंथ जिसमें देश के हर नागरिक के लिए अधिकार सुरक्षित है, उस पुस्तक का नाम है भारत का संविधान। और उस भारत के संविधान में जो रास्ता है, उस रास्ते से देश में राजनीति में जितनी भी पार्टियां हैं जो राजनीति में भाग लेती हैं, सब उसी रास्ते पे चलती। पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई 2014 के चुनाव में, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी तो ये लोग अपने 5 साल के कार्यकाल में कई बार साबित कर दिए कि हम मनमानी करना चाहते हैं। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो किसी को यकीन नहीं था कि एक बैग मोदी जी देश को संबोधित करने के लिए आएंगे और देश में जो चल रही मुद्राएं हैं, 1000 का नोट 500 का नोट, उसको 1 मिनट में रद्दी का टुकड़ा बता करके और देश की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दे। कोई जरूरत नहीं थी नोटबंदी का ऐलान, कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये मनमानी करने का उनका एक पहला बड़ा कदम था। जब देश में इसका विरोध होने लगा तो मोदी जी घबरा करके एक्सप्लेन करने लगे कि हमने ये क्यों किया। उन्होंने न रिजर्व बैंक के गवर्नर को विश्वास में लिया और न देश के फाइनेंस मिनिस्टर को, जो अरुण जेटली साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको भी नहीं बताया। सीधे निर्णय लिया ये रद्दी का टुकड़ा। पूरे देश की जनता घबरा गई। एक तिथि तय कर ली, इतने दिन के अंदर बैंक में आइए और अपना नोट भजा के लाइए। एक सीमा तय कर ली कि इतने रुपए तक के नोट भजाए जा सकते। भगदड़ मच गई, लाइनें लग गई, हर तरफ अराजकता फैल गई, कितने बेटियों की शादियां चल गई, महत्वपूर्ण काम रुक गए। और मोदी जी अपने इस फैसले को सही साबित करने के लिए बोले कि ये देश में चोर हैं, बेईमान हैं, कालाबाजारी करने वाले लोग हैं। ये चोर बेईमान कालाबाजारी करने वाले देश का धन, ये हजार हजार की बढ़ती नोट, इसको इकट्ठा करके छुपा के रख लिए हैं। बहुत सा ऐसा धन है जिसको ले जाकर के विदेशों में स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कर दिए। बाबा रामदेव ने तो गिनती करके बता दिया कि 280 लाख करोड़ रुपया जमा कर दिया है इन कालाबाजारी करने वालों ने स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड के बैंक में। और ये इसलिए बंद कर दिया गया कि बदले यहां लोग ना, अब वो काला धन जो इनका है वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब ये सब अपने आप रुक जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस पैसे को रोक देने से अब देश में जो नई मुद्रा छापी जाएगी उसका कोई नकल, कोई जाली, कोई नकली नोट नहीं बना सकेगा। जाली भी नहीं, ये वादा होता। लेकिन उस समय भी जो विद्वान थे, जो अर्थशास्त्र के जानने वाले लोग थे, उन्होंने कहा मोदी का ये कदम आत्मघाती है, देश की
जो आर्थिक स्थिति है उसको बहुत चोट पहुंचे। इसलिए एक बैंड करते हैं कि केहू बटोरे ना, लेकिन भैया कहिए ना समझ में आई कि 1000 का नोट बंद के बंद करके जो 2000 का फंड यवा नोट तुम छाप देना, इतना इतने बटोर देना पे कैला। आपने तो निमंत्रण दे दिया, आप 1000 का नोट 500 का नोट बंद करके 2000 का छाप दिए, तब वो घड़ी कहो कि एकदम सही छपले मारी, एक न नकली नोट बन सकेला आ न एक कहीं लुकवा के चोरवा के केहू रख सकेला। ओमें कौनो चिप लगवा देले बड़ी, जही रखाई कहे तीन तीन बोली, आदमी चकमा खा गए। और आपने देखा अपनी उस गलती को अब सुधारा, इन्होंने खुद ही फैसला लिया 2000 नोट छाप देंगे, अब खुद ही फैसला ले लिया 2000 का नोट भी खत्म हो गया खत्म। तो ये मनमानी प्रयोग करते हैं, लह गए तो बहुत विद्वान हुआ, फंस गए तो चार दिन कुछ भैले नहीं किया, और देश का जनता उतने में देश की जनता परेशान। अजीब अजीब प्रयोग और हर प्रयोग इनका उल्टा। देश में जब लोग मांग करने लगे, पढ़े लिखे नौजवान उनके गार्जियन ये बैठे हुए कि ये मोदी जी कहले रहो कि 2-2 करोड़ नौकरी हर साल मिली, कहीं तो 10 करोड़ में 10 वर्ष में 20 करोड़ मिल जाए के चाहिए, हर वर्ष 2 करोड़, तब पहला बेर 5 साल, दूसरा बेर 5 साल, ये तो 10 वर्ष में 20 करोड़। अब भारत में जो 140 करोड़ का जनसंख्या बा, कि मात्र 25 करोड़ परिवार में ये 140 करोड़ जनता है, एक परिवार में 5 का अनुपात लगा दीजिए, यही 25 करोड़, तब तो हर घर में नौकरी तो पहुंच गई हुई। मकसूदन बाबा जलालाबाद में हर घर में नौकरी में दे दे रहे हुई हम मोदी जी, धोखा देने के लिए इतनी बड़ी बात कह दो कि आदमी चकमा खा जाओ और कुछ नहीं, असलियत में कुछ नौकरी के नाम पर जो नौकरी थी वो भी खत्म, प्राइवेट नौकरियां खत्म। भाई गाजीपुर जिला में तो हर दूसरा साल सेना का भर्ती होते हुए, ये अब्दुल हमीद का जिला है, हर दूसरे साल यहां भर्ती खुलती थी, 10 वर्ष में को भर्ती भेज रहा बोले जा। देश के नौजवानों ने जब ये चारों तरफ से मांग उठी, 3 बजे भोरे में सड़क पे दौड़े लगत हुआ, तो घर भर का जौन लगहर का दूध बा उहे बबुआ के पियावल जाता कि तैयारी कर लिया, एक बहुत जना भर्ती हो जी तो परिवार संभर जाए, होला कि ना होला। ताकत ताकत बूढ़ हो गए ना, तो उम्र खत्म हो गई, भर्ती है ना, अब चकमा देले बाकी भर्ती करब से ना कर, लेकिन हूँ कुल भर्ती थोड़े करब जो पहले सरकार करत रही है, तो हम अग्निवीर भर्ती करब। ये लड़ाई अग्निवीर का है, इस सर्कस का गोला में मोटरसाइकिल चल रही है तो कहा अग्निवीर, उसी नाम को बदल के अग्निवीर। अग्निवीर की परिभाषा बताया कि 4 वर्ष खातिर लोग रही है, न इन लोगों का कोनो भविष्य निधि रही, न इन लोगों के कोनो पेंशन मिली, कि भर्ती हुई है तो 1.5 वर्ष ट्रेनिंग करी लोग, 2.5 वर्ष ड्यूटी करी लोग सीमा पे, और बाद चल जी लोग घरे रिटायर हो करके, आ वहां जा करके कोनो बाजार में कोनो कस्बा शहर में कोनो पूंजीपतियन का दरबार बन के, उनका चौकीदार बन करके उनका गेट पे कर गेट की परी करिए। क्या ये सेना का अपमान नहीं है? सेना के जवानों के लिए अपमान की बात नहीं है? 4 साल के लिए भर्ती होगा, 1.5 साल ट्रेनिंग के बाद जब जाके लद्दाख में खड़ा होगा और चीन की सेना का सामना करेगा, तो उसके मन में ये साहस होगा कि चलो हम मातृभूमि खातिर मर जाए तो हमार बाल बच्चन के पेंशन मिली, हमार बाल बच्चन के इस सरकार का सुविधा से नौकरी मिली, ये कुछ नहीं के, तू मर जा पिला जा,
झंडरों में देखा तो लपेटर आगे न सहित कितना सीमा पर से उसकी हिम्मत आदि हो जाएगी। ओके याद पड़े कि हमार माई बाबू बीमार बण हम ना रह तो दवाई कैसे हुई। ओके याद पड़ी कि हमार लड़की अब ओकर शादी का समय आ गई ओकर हाथ में मेहंदी कैसे लगी। लेकिन मोदी को ये याद नहीं आएगा, वो तो अजीब आदमी है, वो प्रयोग करता है सफल तो वाह वाह हंस गए जातिया की कुछ हो। और अपने इसी प्रयोग के चलते पूरे देश को बेकू बना के रख दिया। कितना लोग माने ना कि अरे भैया वो धर्मा अवतार हूं, आज वो धर्मा अवतार इतना बड़ा झूठा पृथ्वी पर कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं है। अभी खलीलाबाद आए थे, बस्ती जिला खलीलाबाद कबीरदास की एक आयोजन था, उन्हीं के कार्यक्रम में कबीरदास का एक आयोजन था। उस संत के आयोजन में आए तो खड़ा भैया बोले खातिर तक ज्ञान काउंटर कोठरी खुल गए। तब गुरुओं जगह मंच पे बोले बड़ा दुनिया सुन ले बा ये भैया देखा जा ये उधरती है खलीलाबाद को जहां सिख गुरु गुरु नानक जी और गोरखपुर का अवैधनाथ जी गोरखनाथ जी और कबीरदास जी संग ही बैठ के ये लोग धर्म का चिंतन और मंथन करत रह। आई लोगों का उम्र भी जुड़ा था कि वो कब रह तो वो कब रह तो चर चर सौ बरिश का अंतर बा बैठा दिल सब हमें उन लोगों के अब बैठा के अभी ताली बजाता कि अरे भाई विद्वान तो भेटा गई बा 300-400 बरस का अंतर अब बैठा दे। अरे भाई वो अकबर बाबर के पीरियड में रहे हैं संत गुरु जो सिख गुरु थे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी के बैठा दे कबीरदास किया और वही में बुला दे गोरखनाथ के। आज जना था ये बैठ कर जो जगह चटैया बिछौले रहोसी तो कहला कि हमके गंगा मैया बुलवली है अमैली है जगह एक पहले ही गुजरात में रह और चार बार मुख्यमंत्री हुए थे। तब मुख्यमंत्री जब होत रह तब एमएलए का चुनाव लड़ा भैया एमएलए विधायक विधानसभा के चुनाव में विधायक का पर्चा भर हा तो उन्हें शपथ पत्र भराला आई बैठल हुआ हमारे त्रिवेणी भैया शपथ पत्र दियाला कि हमार नाम है हमार बाप का नाम है हम इतना पढ़ले बड़ी हमार मेहरारू अगर शादी भइल बा तो हमार शादी भइल बा लेके भइल तो ना भइल बा मेहरारू बिया तो ओकर नाम का बा लड़का लड़की बाणी तो उन्हन का नाम का बा एकर कौना कौना बैंक में अकाउंट बा अकाउंट का खाता का नंबर का बा कितना पैसा नगदी बा कितना खाता में बा ये कुल शपथ पत्र पर दिया जाता। मोदी जी जब एमएलए का चुनाव लड़ते रह तो चार बेर पर्चा भर दे बढ़ो कि हम कुंवर हैं हमार शादी नहीं थे पे। अब आप सोचिए ये स्तर कहां है चार बेर कहना कि हम कुंवर हैं हमार शादी नहीं थे भाई। अब बनारस जब आके एमपी का चुनाव में भर लो तो पहला बार शपथ पत्र में भर लो कि हमार ब्याह भइल बा हमार मेहरारू का नाम जसोदा बेन। जो आदमी इतने बड़े पद पर है इतना सस्ता साधारण सी बात के लिए क्यों झूठ बोलते हो। आपने गुजरात में भर दिया कि हम मिडिल पास हैं एक बेर ना चार बेर मिडिल पास हूं आ ही आके भर लो तो कहते हम पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी हो गई बुढ़ौती में कहा इनका भर्ती हो गई पढ़ दे। लेकिन इन लोग जो चाहे करके इनके चेला चापड़ भी जो है वही है। स्मृति ईरानी का नाम सुनने पड़ जा उस सिलेंडर वाले करके जो आया छाती पीट रहा की हई जगह 400 का सिलेंडर बिकाता हमन का सरकार बना दे जा रहा 250 का बिकवाई अब तो 350 का भानु भैया मिलत ना वही सिलेंडर वा तोरा क्षेत्र में सिलेंडर का दाम हो गया 1200 रुपया 1200 रुपया लेकिन नकल पसारने में माहिर लोग।
बाजार में लाए क्या खटिया लेते जितना बिकाएंगे तो वही हम जीत के चलिए खेत हो चले और इसी देश में वही कमाकर जब डालमिया सिंघानिया धीरू भाई अंबानी के गोदाम में गया तो ओकरा बाद बिकाई इस साल 60 रुपया किलो बिकाई रखना 300 रुपया किलो लहसुन बिकाई 400 रुपया किलो अदरक बिकाई ये है भारत यही है रामराज यही है मोदी का एक्सरसाइज कर दिया उसने पूरे देश को अभी कह आदमी भैया मैं व्यक्तिगत अपनी राजनीति के बारे में बताऊं कि 45 साल से राजनीति में सक्रिय हूं और पहले चुनाव से आज तक के चुनाव में हर बार दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथ रहता है क्योंकि हम लोग की लड़ाई लड़ी शेरपुर में जैसे 400 घर का संतोष उगल गई गाजीपुर जिला में बिहार में कोई था नहीं जो शेरपुर पुकार करने जाए गरीबों का हमारे पिताजी हम लोग उसको नौजवान थे नए कॉलेज में पढ़ रहे थे हम लोग जब गए तो बड़ा जोखिम था जीवन पे संकट था लेकिन सर पे कफन बांधते हैं कि मरना है या जीना है इन गरीबों की रक्षा में खड़े होना है और हम लोग खड़े हुए उनके जख्मों पे मलहम लगाया मुकदमा लिखाया गया पैरवी उसकी हुई सुप्रीम कोर्ट तक उस मुकदमे को लड़ा जोगा में 4 चमार भाइयों की हत्या कर दी गई बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सभा कर रहे थे जोगा गांव में जोगा मुकाबले में जब मानवर कांतिलाल ने एक आंदोलन चलाया था बीपी सिंह का जमाना था आरक्षण को मंडल कमीशन लागू करो या गली छोड़ दो उसी की वो कड़ी जब वहां पे सभा हो रही थी सामंतवादियों ने हुजूम बना के हमला कर दिया 4 चमारों की हत्या करके और गंगर नाला में फेंक दिया 1 मई का लाल जाने वाला कोई नहीं था मैं कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक था रामजन्म उस वक्त जिला अध्यक्ष थे बसपा के घायल अवस्था में दाऊदपुर में आके गिर गए दाऊदपुर का प्रधान हरि प्रसाद पुरी मेरे पास आया कहा कि भैया चल जाए और हम लोग अपने सारे आदमियों को लेकर के 10 गाड़ी में और उसी समय योगा पहुंच गए कि रुकते रुकते रात भर योगा में रुके जान डलवा के चारों लाशें निकलवाई मुकदमा कायम कराया जेल भेजवाया मुकदमा लड़ने का काम किया हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते आए हैं और गरीब को भी पता है इस लड़की में भी आवश्यकता है कि उनको साथ लेके लड़ा जाए उनके बगैर लड़ाई कमजोर होगी और हमारे साथी हमारे बूथ के प्रभारी हमारे सेक्टर के प्रभारी हमारे जोन के प्रभारी हमारे पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है एक सूत्र दिया है आपको हमको एक सूत्र दिया है ये पीडीएफ बना करके एक मंत्र है एक सूत्र है एक विद्या है इस पर अमल करने की जरूरत है पीडीएफ से पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक इन तीनों को इकट्ठा करो इन तीनों को फोकस करो ये समाज में पिछड़ गए हैं इनके ऊपर अत्याचार हुआ है इनका हक हिस्सा लूटा गया है इनकी रक्षा करो इनको संगठित कर दोगे सारे समस्या का समाधान है हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि उसी पीढ़ी के फार्मूले को जाइए गरीबों की बस्तियों में पिछड़ों में भी सब यहाँ जाइए लोहार के पास जाइए कुहार के पास जाइए गोर के पास जाइए हरवार के पास जाइए ये निषाद समाज के भाई बैठे हुए हैं 2003 से 2007 का जो कार्यकाल था मुलायमपुरी का उसी कार्यकाल में 17 जातियों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये बिल पास किया गया था कि 17 जातियों को रिजर्वेशन की सुविधा दी जाएगी उसमें वीर था मल्लाह था केवट था माझी था भीमत था नहीं था उसी को रोका गया था और उसी को भगा करके आज भी संजय निषाद जो निषादों का नेता बनता है वो बेवकूफ बनाता है इस समाज को कि सुना जा विधानसभा का चुनाव अगली बार बहुत देर है जब भाजपा के और लोकसभा का चुनाव आने से पहले पहले हम रिजर्वेशन की बात अब विधानसभा में जब वोट ले लेता तो लोकसभा का जब चुनाव आवा तो कहा था कि हे भैया भाई लोकसभा के फिर कुल आंदोलन छोड़ा जा पहले वोट दे दे भाजपा के और जब विधानसभा का चुनाव आई तो उसे पहले आरक्षण दिला दी 4 बार धोखा दे करके निषाद समाज का वोट ले लिया आज निषाद समाज भी बागी हो गया
पिछले ही चुनाव में 2019 का जो चुनाव हुआ है, 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी गाजीपुर आए थे 29 दिसंबर 2018 को, और गाजीपुर के निशानों ने तय किया कि हम पत्रक देंगे, रिजर्वेशन दो तब वोट करेंगे, मनोज सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे, अभियान गाजी चुनाव लड़ रहे थे। यह आंदोलन जब हुआ नक के नकड़ा पे पुलिस खड़ा कर दिए सब कि कोई गाजीपुर निषाद और बीरमला नहीं जाएगा। कठवा मोड़ पर मेरे मोहम्मदाबाद क्षेत्र का कठवा मोड़, उसी चौराहे पर आंदोलनकारी जाना चाहते थे, पुलिस उनको रोक रहे थी, ढेलाबाजी हो गई दोनों ओर से, लाठी चार्ज किया पुलिस ने, ढेला चला दिया जो आंदोलनकारी थे, एक ढेला लगा दिया दोनों पुलिस वाले को और वो गिर गया और मर गया। उसके बाद रात नहीं बीती थी, सारी रात निषाद और वृद्ध समाज की बस्तियों में घुस घुस के ये मोदी की पुलिस ने वो तांडव किया, बुजुर्गों को मारा, महिलाओं को मारा और नौजवानों को उठाने के जेल में डाल दिया। सैकड़ों लोग, गंगा का प्रधान अर्जुन बीन, सारे तीन गए थे, एक ही मरिया का बाप मर गया जेल के अंदर, इतना मार दिया गया था। पता कर लीजिए आपके क्षेत्र में भी हो, पूरे जिले में मैं चुनौती के साथ करता हूं, एक आंदोलनकारी की जमानत अफजालनकारी ने गाजीपुर से लेकर हाईकोर्ट तक अपना खर्चा करने पर निकाला। एक आरक्षण की मांग करने वालों को जो सूखे मुकदमे फंसाया गया था उनकी जमानत करवाया, उनको निकाला, उनका साथ दिया, यही तो कसूर है और क्या कहिए बने, कहा गिरे बनी बनी पांच वर्ष में जो हमें पता खबर मिला मिला मन बना देना तो गांव छूट जाना आदमी को। उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों लड़ के 5 साल से बुलडोजर देकर खाना खुआ को खाना खाना हमारा घर द्वार स्कूल अस्पताल फार्म हाउस सब गिरा दिया गया, सब कब्जा कर लिया गया, सब दूर कर दिया गया, अब मुकदमा में फंसा के सजा भी करा दिया गया, जेल भी भिजवा दिया गया। अब मस्त होकर सूख लेना क्योंकि अब परसों ना भर पड़ी, इनका सदस्य तो खत्म हो गई। गाजीपुर की 5,64,000 जनता ने अफजालनकारी को मुहर लगा के वोट दिया था, तब मैं उस पत्र पहुंचा था, उसको साजिश करके इन लोगों ने छीन लिया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं मार पा रहा क्योंकि मुझे मालूम था कि मस्त है तो इन्हें का मस्ती का इनका कुल रकम दौलत संपत्ति हमने लूट लिया। हमको यकीन था कि हमारी असली असली दौलत, हमारी असली ताकत, हमारी असली पूंजी वो गाजीपुर की गरीब जनता है, जिसको इनके बाप जीना कभी रोजगार में कभी लूट पा रहा। हमें आप ही के आशीर्वाद से आपको कभी अपमान नहीं किया कि आवाज हमारे गुहार कर जा, कहा एक बया नहीं दिया, एक जिले में लोगों हम ही अगर आपके लिए लड़े मरे हैं तो हम आज भी पति पे हैं। हमारे बच्चों को जेल में डाल दिया, महिलाएं मेरी बहू जेल में बंद की गई, मेरे भाई जेल में है, हत्या करने की साजिश हो रही है, हम पर हमला हो रहा है, लेकिन मैंने गुहार नहीं लगाई। हमने कहा कानून के रास्ते से बाबा साहब ने अभी इसमें गुंजाइश दी है, मैं लड़ूंगा, अब कानून के रास्ते से लड़ के हाईकोर्ट से जमानत करे और सुप्रीम कोर्ट में भी जब गए तो सजा के आदेश को जब वहां चुनौती दिया तो आपकी दुआ काम आ गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया कि अफजालनकारी की सजा का जो आदेश है वो सजा का आदेश अपील के निस्तारण तक के लिए स्थगित किया जाता है, निलंबित किया जाता है, मेरी सदस्यता बहाल हो गई, मुझे चुनाव लड़ने में जो अयोग्य कर दिया गया था मैं योग्य हो गया, अब घबरा के मन को यह लड़ाई तो फिर योग आ गई सूची कुल द्वंदीय दबरा गई, हमने तो सोचने का हो गया था,
आपके बुलडोजर के सूर में जितनी ताकत है उससे 10 गुना ताकत गरीब की युवा और आशीर्वाद में है और वही आशीर्वाद से तो आपकी वहां तोड़ देगी निकलिए जेल से तो आपकी कृपा से ना तू से लड़ के निकलेगी तू चाहत रहा कि सिलेंडर करे हमारा सुझवा लेकिन गरीबों के बल पर हमने सिलेंडर नहीं किया मेरे साथियों हमने आपका मान सम्मान झुकने नहीं दिया गरीबों के सामने कभी नहीं झुका कभी नहीं झुकूंगा हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे हम कुर्बान हो जाने तक लड़ते रहेंगे हम इतिहास छोड़ के जाना चाहते हैं कि जालिमों से नहीं कोई बंद मकानों से जंग लड़ो नहीं मैदानों से निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो नहीं मैदानों से निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो नहीं मैदानों से आज हालात ऐसे हैं कि वो घबरा रहे हैं क्या किया जाए मुकाबला कैसे हुई अखिलेश यादव ने घोषणा दे दिया चौधरी पांच सौ अब एजी साहब करता चलना ही हुआ भाई ये रही ये आई वो नया चर्चा कर फोन लोग वो बाघ आए वाला था वो बाघ सीख का चुल्ला नाम दादा क्यों कहा था परसिंहा है वो आई हम कहते हैं गाजीपुर जिला को वन विभाग का जंगल थोड़े अकेले में बाघ और भैंसा रहे गाजीपुर जिला में एक से एक बाघ भैया कितनों भी रहे सांड और भैंसा रहेगा भूखे उलाद करके ना देते आदमी की नजर में ना देते जो अत्यंत प्रमुख है और न घरों के कल्याण माने दोस्तों गाजीपुर जिला अत्याचारियों को दमनकारियों को कभी प्रश्न देने वाला नहीं है और हमारा से सुझेल में बंद करके हमारा के मुकदमा में फंसा करके हमारा जगह जमीन लूट करके तू चाहो कि फस कर रही सिलेंडर करा नहीं है संभव नहीं है जीते जी अत्याचारियों के सामने सिलेंडर नहीं करेंगे आपका आशीर्वाद बना रहेगा।